आज जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि वाइट एग जो है अक्सर जिम में लड़कों को कहा जाता है कि आपने वाइट एग लेने हैं, तो वो पूछते हैं कि कितने वाइट एग लेने हैं। तो मैं उनको कहता हूँ कि कम से कम ना आप 5 से स्टार्ट करें, 4-5 वाइट एग आप लें। तो वो कहते हैं जी इतने एग हम कैसे खा सकते हैं। तो कुछ बंदों को ये नहीं पता कि जो येलो है वो नहीं खाना, आपने वाइट एग खाना है जो सफेदी है, चाहे वो आप बॉयल करके खाएं चाहे वो आप फ्राई करके खाएं। जिनके जिनका वेट का मसला है या पेट का मसला है वो फ्राई करके भी, मतलब कि उसमें ऑयल ज़्यादा आ जाता है, इसलिए उनको बॉयल का ही कहते हैं कि आप बॉयल एग ही खाएं। तो आपको बताता चलूं कि जो वाइट एग है वो चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो वो कुछ नहीं कहते, ना वो गर्म होते हैं ना वो ठंडे होते हैं, मतलब कि वो उसमें प्योर प्रोटीन होती है, तो जो आपके लिए बड़ी ज़रूरी है। तो जिम अगर बंदा नहीं भी करता तो वैसे भी डॉक्टर जो है 2-3 एग जो है वो आम बंदा भी दिन में खा ही जाता है। तो जो बंदा एक्सरसाइज लगाता है, जिसने वेट कम करना है या जिसने गेन करना है, तो उसके लिए प्रोटीन का होना बहुत ज़रूरी है। तो वाइट एग में प्योर प्रोटीन, आपको पता है कि हम प्योर प्रोटीन ले रहे हैं, जो मतलब के पाउडर शेप में होता है उसका कोई पता नहीं कि कितना वो ओरिजिनल है कितना नहीं है, कितनी उसमें प्रोटीन है या कितनी नहीं है। तो इसलिए आप ये ना सोचा करें कि वाइट एग लेने से मतलब के आपको नुकसान होगा या गर्म होते हैं बहुत ज़्यादा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आपने येलो निकाल देना है तो वाइट एग बाकी रह जाना है, उसमें कोई ऐसा चक्कर नहीं। तो अपनी इस सोच को चेंज कीजिए कि वाइट एग लेने से मुझे कोई मसला बनेगा या मेरे घर वाले लेने नहीं देते। तो जब तक आप वाइट एग नहीं शुरू करोगे तो आपको प्रोटीन नहीं मिलेगी, जब तक आपको प्रोटीन नहीं मिलेगी आपका मसल ग्रो नहीं करेगा। तो इसलिए वाइट एग लेने से ऐसा कोई मसला नहीं है। अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए।